मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने जिला सचिवालय पर किया प्रदर्शन। बीते शनिवार को रेवाड़ी जिला में भारी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि के कारण किसानों की साल भर की खून पसीने की कमाई अचानक नष्ट हो गई। इसी को लेकर आज भारी संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए और जिला सचिवालय पहुंच किसानों ने न केवल जोरदार प्रदर्शन किया बल्कि 3 दिन में ओलावृष्टि प्रभावित गाँव की गिरदावरी करवाकर अगले 15 दिनों में उन्हें मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। इसके साथ ही किसानों ने सरकार से 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की मांग भी की है। जी, खोरी गांव सबसे बड़ा गांव है। कल एसडीएम साहब और ये अपने डॉक्टर बनवारी लाल जी हर एक गांव में दौरा कर गए और सबसे बड़ा गांव खोरी है और खोरी गांव में उन्हें मतलब कोई प्रशासन ने और या कोई भी नहीं पहुंचा खोरी जी। और खोरी गांव में जी 40 मन सरसों किले की बैठती है और गेहूं करीब करीब 70-75 मन गेहूं बैठते हैं किले और बिल्कुल 100% नुकसान है और मुआवजा की हम पूरे गांव के मतलब तरफ से कुछ नहीं बचा। हाँ, कोई फसल में कोई दाना भी नहीं बचा। गेहूं बिल्कुल बर्बाद हो गया, सरसों बिल्कुल बर्बाद हो गया। हाँ, क्या कुछ मांग है सरकार से? आप मांग है जी सरकार से, आप देखो जो सरकार देगी मतलब कम से कम 50,000 रुपए तो कम से कम हमारी वैसे भी बिकती थी 50,000 रुपए के 1 किले की सरसों और गेहूं करीब करीब 60,000 रुपए के, तो आप देखो सरकार मतलब 60,000 और 50,000 के हिसाब से हम हमारी मांग है। कहेंगे मुआवजे की मांग को लेकर किसान आए हैं अभी यहाँ? मुआवजे की जो मांग है वो हमारी एकदम जायज मांग है क्योंकि हमने जो खेती की थी वो बड़ी लागत लगाकर ना और बड़ी कष्ट से पूरा परिवार उसमें पिलकर ना खेती तैयार की थी लेकिन प्राकृतिक दुर्योग की वजह से हमारी खेती बिल्कुल साफ हो गई, मर गए हम। आगे हमारे जीने का कोई रास्ता बचा नहीं। अगर सरकार इस वक्त ऐसी दुख की घड़ी के अंदर हमारी मदद करती है और मदद करना चाहिए, 40,000 रुपये प्रति एकड़ सरसों का मुआवजा देना चाहिए, गेहूँ का 45,000 देना चाहिए, जो सब्जी की फसल कर रखी थी उसमें बहुत भारी नुकसान है वो 1,00,000 रुपये मुआवजा उसका देना चाहिए। और ये जो समस्या है किसानों की, सरकार जो किसानों की आय दुगुनी करने की बात जो कर रही है, अगर सरकार इस किस्म की जो स्थिति के अंदर कोई योजना बनाकर सरकार अपने खजाने से किसानों की मदद नहीं करती तो 2 गुनी आय नहीं हो सकती, वो सिर्फ बात रह जाती है। इसलिए आज हम मांग करने के लिए आए हैं कि हम किसानों को बचाए सरकार और मुआवजा दे। अभी आए हैं आप लोग? आए जी गाँव खोरिसों में और 29 तारीख को बहुत भारी ओलावृष्टि हुई जिससे हमारी सरसों और गेहूँ की फसल बर्बाद हो चुकी है। 100 से भी ज्यादा हो जी और जमींदारों का बुरा हाल है जी, बर्बाद हो गई बिल्कुल, सारा खर्चा जो लगाया था जी वो सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या कुछ मांग करने के लिए आज यहाँ है प्रशासन? हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि भाई हमें उचित मुआवजा दे, कम से कम 50,000 रुपये सरसों के दे और 60-65,000 गेहूँ के दे। हमारे तो एक साल की है कि यही खेती है, सरसों बोते हैं जी हम तो, और इसका बुरा हाल हो गया है जी। अब आप देख सकते हो इसको कुछ एक दाना भी नहीं है जी, बच्चे भूखे मरने का कगार पे आ गए। कॉमरेड साहब क्या कहेंगे आज किसान आए हैं यहाँ अपनी मांग को लेकर? ये बड़े दुख की घड़ी है कि रेवाड़ी के तमाम किसान उजड़ गए जिन्होंने कड़ी मेहनत करके महंगी जो खेती करके खाद बीज डाल करके जो फसल तैयार हो चुकी थी अचानक प्रकृति के प्रकोप ने सब कुछ डा दिया। आज किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, जैसे घर में मौत हो जाए उस तरह आज किसानों में मातम छाया हुआ है। इसलिए आज पूरे जिला के किसान अपने हाथों में सरसों के डाकड़े उठा करके गेहूं के डाकड़े उठा करके यहाँ आए हैं और दिखा रहे हैं प्रशासन को कि कुछ भी नहीं बचा, जिसको कहा जाए कुछ बचा हो, 100% नुकसान हो गया है। और ये मांग करने के लिए आए हैं कि हम परिवार चलाना है, हमको अपने रोटी खानी है, हमने कर्जा हमारे बोझ के ऊपर है, हमारे बच्चों की दवाई इलाज शिक्षा का सवाल है, बिजली का सवाल है। हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि जो नुकसान हुआ है इसकी तुरंत गिरदावरी करके 3 दिन के अंदर अंदर और 15 दिन के अंदर किसानों को मुआवजा दिया जाए, कम से कम 40,000 रुपया प्रति एकड़ सरसों का दिया जाए, 45,000 रुपया प्रति एकड़ गेहूं का दिया जाए और 1,00,000 रुपया प्रति एकड़ सब्जी का दिया जाए। हम ये मांग करने के लिए आए। प्रशासन ने सरकार ने निर्देश भी दिए अधिकारियों को गिरदावरी के, उसके बावजूद क्या कुछ उम्मीद करेंगे मुआवजे की? अभी उन्होंने कोई समय सीमा तय नहीं की है। जो पिछले अनुभव कहते हैं वो ये कहते हैं कि एक बार आश्वासन दिए जाएंगे, मंत्री वजीर अफसर जाएंगे, कागजी कार्रवाई में लग जाएंगे, लोग घर बैठ जाएंगे। हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि स्टिपुलेटेड पीरियड में 3 दिन के अंदर अंदर पूरे जिला गिरदावरी हो और 15 दिन के अंदर मुआवजा दिया जाए और पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। मुआवजा का मतलब 1 रुपया नहीं, 150 रुपया नहीं, 200 रुपया नहीं। हम स्पेसिफिक मांग करने के लिए आए हैं
कि एक एकड़ का 40,000 रुपया वो कम है लागत के हिसाब से। एक एकड़ का 40,000 रुपया सरसों का, 35,000 रुपया गेहूं का, 1,00,000 रुपया एक प्रति एकड़ सब्जी के हिसाब से दिया जाए, ये मांग करने के लिए आए।